सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए एक पॉन्ड्स का प्रोडक्ट लाई हूँ। तो ये जो गाइस प्रॉन्स का प्रोडक्ट है वो अभी न्यू लॉन्च हुआ है और मैं इसका रिव्यू आप लोग साथ शेयर करने वाली हूँ। तो मैं आप लोगों को आज बताती हूँ कि ये मुझे कैसा लगा है। मैंने इसको यूज़ किया है, 10-15 डेज़ मैंने इसे यूज़ किया है। उसके बाद मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर कर रही हूँ और मुझे कैसा लगा। ऑनेस्टली रिव्यू मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को किसी को भी डाउट है या लेनी हो तो आप लोग ले सकते हो। सो गाइज, इसकी जो ऊपर की जो पैकेजिंग है वो मैंने मेरी बाबू ने फाड़ दिया है, तो सॉरी मैं वो आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी। और वैसे मैं आप लोगों को बता दूँ कि आउटर पैकेजिंग जो होती है वो गोल्डन कलर की होती है और जो इनर पैकेजिंग है कुछ ऐसा है गाइज। तो आप लोग ये देखो, कुछ इस तरीके का है। तो सो गाइज, ये भी पूरा गोल्डन में आएगा आपको और ये कांच का जार है गाइज। तो ये देखिए, मैंने इतना ख़त्म भी कर लिया है क्योंकि बिना मैं यूज़ किए हुए मैं आप लोगों को इसका रिव्यू अच्छे से शेयर नहीं कर पाऊँगी और नहीं बता पाऊँगी कि ये मुझे कैसा लगा है। सो चलिए, पहले मैं आपको इसकी इनर पैकेजिंग की बातें करती हूँ एंड इसके डिटेल्स मैं आप लोगों को बताती हूँ कि क्या क्या है। सो गाइस, सबसे पहले आप यहाँ पर ये देख लो, पॉन्ड्स का फॉर्मुलेटेड बाई द पॉन्ड्स इंस्टीट्यूट गोल्ड ब्यूटी रेडियंट गोल्डन ग्लो इल्यूमिनेटिंग डे क्रीम। तो गाइज, ये जो है वो डे क्रीम है और इसकी जो मैं प्राइस की बात करूँ तो 185 इसका प्राइस है। और ये देखिए, और ये जो है इसमें 35 ग्राम है गाइज। तो 185 में आपको 35 ग्राम आपको मिल जाती है। सो ये देखिए गाइज, कुछ इस तरीके का है। और चलिए मैं आप लोगों को इसको ओपन करके दिखाती हूँ कि ये कैसा है। तो ये देखिए गाइस, कुछ इस तरीके का है कि जो कांच का जार है बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड है, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का है। और ये देखिए, मैंने इतना ख़त्म भी कर दिया है। इतना नहीं, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में मैं लगाती थी, बस 10-15 डेज मैं सोची लगाती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों के साथ इसका रिव्यू शेयर करती हूँ। सो गाइज, अगर आपको इसे यूज़ करनी है ना तो आप इसे बहुत ही कम क्वांटिटी में लेना, वो भी डे के लिए। अगर आपको रात में यूज़ करनी है तो आप ले सकते हो जितना आप चाहे हो, और अगर आपको डे में लगानी है तो आप इतना सा ही लो, इतना सा ही तो बहुत ही ज़्यादा हो जाता है। और ये देखिए गाइज, मैं आपको यहाँ पर मिक्स करके भी दिखाती हूँ। तो ये देखिए, कुछ इस तरीके का है। ये ड्राई टू नॉर्मल स्किन दोनों के लिए है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ड्राई वाले भी लगा सकते हैं एंड नॉर्मल वाले नहीं लगा सकते हैं, आप ड्राई टू नॉर्मल स्किन के लिए है। सो गाइज, आप लोग खुद ही देख लो और आप ये देख लो इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। ये जो है ना, आपको मिक्स करने के बाद आपके स्किन में पूरा अच्छे से अब्जॉर्ब हो जाता है। और गाइज, एक चीज़ और, इसमें बहुत ही मतलब छोटी छोटी सी जो गोल्डन पार्टिकल्स होती है ना, बहुत ही छोटी छोटी सी इसमें गोल्डन पार्टिकल्स है गाइस। आपके जो स्किन है ना, बहुत ही ज़्यादा मतलब ग्लिटरी लगने लगती है, हाईलाइट करने लगती है और बहुत ही ज़्यादा ग्लो करने लगता है। सो आप लोग खुद ही देख सकते हो इसमें और इसमें आपको क्या फ़र्क नज़र आ रही होगी। सो आप ये देखो गाइस, बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट करने लगा और बहुत ही सॉफ्ट सा स्किन हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा स्मूथली सा स्किन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपको लगाने के बाद बहुत ड्राई सा स्किन हो जाता है। मेरी जो स्किन है वो ड्राई है गाइस एंड आप लोग खुद ही देख सकते हो, कुछ ड्राई टाइप का नहीं लगा। लेकिन आप लोगों को मैं जूम करके दिखाती हूँ, पास ला कर दिखाती हूँ। ये देख रहे हो, छोटी छोटी सी जो पार्टिकल से कितनी ज़्यादा चमक रही है गाइस, बहुत ही ज़्यादा चमक रही है। एंड आप इसको डे में लगाते हो ना तो बहुत ही ज़्यादा चमकने लगती है, तो वो भी उतना अच्छा नहीं लगता है। बट आप अगर रात में लगा के जाते हो ना, मतलब आपका चेहरा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, एकदम चमकेगा, जो होता है ना लोग बोलते हैं चमकता है, तो हम लोग का स्किन जो है ना चमकने लगेगा। और डे में उतना अच्छा नहीं लगता है, थोड़ी सी क्वान्टिटी में आप लेना, बहुत ही ज़्यादा मत ले लेना। और डे में आप ऐसा देखो, इतना आपकी स्किन जो है ग्लो करने लगेगा, चमकने लगेगा, तो उतना भी अच्छा नहीं लगेगा चमकेगा, तो वो भी खास करके डे में। बट ऐसा नहीं है कि आपको पता चलेगा, छोटी छोटी सी पार्टिकल से आपको नज़र भी नहीं आएंगी, बस आपके स्किन में ऐसा लगेगा जैसे कि कुछ चमक रहा है, कुछ इस तरीके का आपको लगेगा कि कुछ चमक रहा है। आप लोग खुद ही देख सकते हो गाइस इसमें, ये वाली स्किन में और ये वाली स्किन में क्या फ़र्क है, आप लोग खुद ही देख सकते हो।
जैसा ये चमक रहा है ना, कैसा चमक रहा है ना, ग्लिटर टाइप का जैसा ये चमक रहा है ना, जस्ट आपका स्किन वैसे ही चमकेगा गाइज। तो अगर आप लोगों को ये प्रोडक्ट लेना है तो आप लोग ले सकते हो, बहुत ही ज़्यादा अच्छा प्रोडक्ट है। और वैसे भी पॉन्ड्स का प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, तो मैं तो आप लोगों को हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ले सकते हो गाइज। और बहुत ही ज़्यादा अच्छा है ये प्रोडक्ट, और ड्राई स्किन के लिए वाले भी, एंड ड्राई स्किन वाले के लिए भी अच्छा है, एंड ऑयली स्किन वाले के लिए भी अच्छा है। सो ऑयली स्किन वाले बस यही करेंगे कि आप बिना कुछ लगाए हुए आप इसको लगा सकते हैं, एंड ड्राई स्किन वाले आप मॉइस्चराइजर लगाने के बाद आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सो आप ये देखो गाइज। सो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये रिव्यू, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताना। अगर हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करना। और चलिए इस वीडियो को मैं यही पिन करती हूँ, एंड मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट अच्छे से प्रोडक्ट के साथ। तब तक लिए बाय बाय गाइज, एंड वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दे गाइज, एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। सो चलिए मिलती हूँ मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।